चलिए जी, तो हम जो है पहले लेट अस रिवाइज लेट्स फर्स्ट रिवाइज जल्दी से. दिस इज अ यू नो ब्रोकन स्केल. एंड दिस रीडिंग, ये जो रीडिंग है दिस इज 2.5, देन दिस इज 3, 4, 5, सिक्स, सेवन, राइट? दिस इज इन सेंटीमीटर, राइट? एंड वी पुट यू नो अ रॉड हियर. लेट मी व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस रॉड, जल्दी से, जिससे मैं पूछूंगी ओनली द स्टूडेंट हुज नेम आई विल टेल, ओनली दैट स्टूडेंट विल आंसर, राइट? व्हाट इज द लेंथ ऑफ रॉड. ऐसे नहीं, सबने ऐसे नहीं बोलना है. व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रॉड. लिखो लिखो अपनी कॉपी में. Everything I am writing on the board, it should be in your copy. First, write down today's date. Today is 26. Date is very important. Class 6, and we are talking about science, and we are taking some questions about motion. And all these questions are so much important because it increases your depth of the subject and it will give good marks in your exams. क्योंकि ऐसे ही questions exams में आने. Question number one is this. Then question number two. This is the bundle of sheets. Us say bundle of 10 sheets. चार्ट पेपर है आपके, 10 चार्ट पेपर्स है. Whose width, ये 10 की इनकी width of, width कह लो या ये हमने मोटाई देखी है इनकी, width of 10 sheets is, let us say 10 सेंटीमीटर. हम मान लेते हैं 10, 10 बहुत होता है, but let's say it's 10 सेंटीमीटर. What is the थिकनेस ऑफ वन शीट? 10 शीट्स की विड्थ हमें बताई गई है. व्हाट इज द थिकनेस ऑफ वन शीट? मैथ का क्वेश्चन है, आता होगा आप सबको. क्विकली डू.
क्वेश्चन भी लिखने हैं आपने। छोड़ दो बेटा, वर्कशीट में नहीं है ये, छोड़ो। वो पीरियोडिक नॉन पीरियोडिक का है, लीव द वर्कशीट। ये लिख लिए क्वेश्चन बेटा। जिसने क्वेश्चन लिख लिए वो आंसर लिखो फटाफट से, करो आंसर्स। चलिए अब हम अगला करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। आप इतनी देर पिछला करो, मैं ये करती हूँ।
Write down this case study, very important. Definitely come in your exam. लिख लो इंपॉर्टेंट. ठीक है, ये केस स्टडी है, ये पढ़ना है आपने. आई विल गिव यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस केस स्टडी.
आई होप आपने ये लिख लिया होगा, ये मैं बता रही हूं, अगर नहीं लिखा होगा तो मैं आई विल। डिफरेंस बिटवीन पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक मोशन। डिफरेंस बिटवीन पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक मोशन। जल्दी से राइट डाउन क्वेश्चंस। और एक फोर्थ क्वेश्चन मैं यहां पर ही लिख रही हूं ताकि आपके सारे हो जाए। Which type of motion is shown by light? चलिए स्टार्ट डूइंग, फटाफट से करो फटाफट। यस, क्वेश्चन नंबर वन। लेट मी आस्क, सिक्स्थ ए रेनू, सिक्स्थ ए रेनू। मुझे आपने तरीका भी बताना है, मेथड भी बताना है कि यहां पे क्या करना है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रॉड? बोलो बोलो। हाँ, 0.5 मीटर कैसे किया आपने? बाय माइनस 5 नहीं, ये 6 पे है बेटा, दिस इज एट 6। हाँ, 6 माइनस 6 माइनस 4.5। 4.5 आ जाएगा। तो ये कैसे करना है? बिल्कुल ठीक है, बैठो बेटा। इसको हमने कैसे, कभी भी कुछ भी, चाहे स्केल पूरा है आधा है कुछ भी। सो लेंथ ऑफ रॉड, लेंथ ऑफ रॉड, रिमेंबर द फॉर्मूला, ठीक है? व्हाट इज द फॉर्मूला? फाइनल रीडिंग माइनस स्टार्ट रीडिंग। फाइनल रीडिंग माइनस स्टार्ट रीडिंग, विच इज द फाइनल रीडिंग? 6। एंड विच इज द स्टार्ट रीडिंग? 2.5। स्टार्ट रीडिंग कहां से? जो पेंसिल की स्टार्ट रीडिंग है या जो रॉड की स्टार्ट रीडिंग है। ये क्वेश्चन जरूर आना है, आइदर इन एमसीक्यू और इट मे कम इन 2 मार्क्स क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो 6 माइनस 2.5 कितना हो जाएगा? इट इज 3.5। रेनू, आपने थोड़ा सा गड़बड़ कर दी थी कैलकुलेशंस में। इट इज, लिख लेना ठीक तरह से, मैं भी चला ठीक कर दी। इट इज 3.5 सेंटीमीटर, 6 माइनस 2.5। इज इट ओके, क्लियर? देखो, 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। देन दिस इज समथिंग मैथमेटिकल क्वेश्चन। 6B बलराज, 6B बलराज आ जा बेटा।
हाँ जी, अब मुझे कैन यू टेल मी आंसर डायरेक्टली और लेट अस डिस्कस दिस, जल्दी से जोर से अपने जरा माइक उठाओ, अपने पास को करो, आपकी आवाज आ तो रही है बट इट्स वेरी लो। हाँ कितना है बेटे दोबारा से, हम देखते हैं, लेट्स सी कि 10 शीट्स, 10 शीट्स थिकनेस इट इज 10 सेंटीमीटर, 1 शीट थिकनेस कम होगी कि ज्यादा होगी, लेस और मोर, इट विल बी लेस, Yes. यस। तो व्हाट वी विल डू, वी विल माइनस इट, वी विल डिवाइड इट, वी विल मल्टीप्लाई इट, वी विल ऐड इट, क्या करेंगे बेटा? आपकी आवाज नहीं आ रही है, मैम को कहो कि भी आप अपने, सिलेक्ट माइक बिल्कुल सिलेक्टेड नहीं होगा नहीं इसका, नहीं आ तो रही है बट इट्स वेरी लो। नहीं फिर वो कैच कर रहा होगा ना, हो सकता है इसका जो हाँ बाकी क्लासेस में से तो पूरी आ रही है, इसी में से ही नहीं आ रही। आप बैठो बेटा, आप बैठो, लेट्स सी। सबसे। हाँ, 6C, 6C में से बेटा हाँ जी, 6C, नवजोत सिंह, नवजोत आओ बेटा। नाउ टेल व्हाट वी विल डू, डिवाइड डिवाइड किसको किससे करेंगे? 10 को 10 से। 10 को 10 से करेंगे, वेरी गुड, इट इज 10, इट इज 1 सेंटीमीटर, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, एब्सोल्यूटली ट्रू, बैठो बेटा। सो आंसर इज 1 सेंटीमीटर, सबका निकल आया है, रेज योर हैंड्स, 10th B जिसका आ गया है ये आंसर, 10th B, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। हमने क्या देखना है बेटा इसमें, यूनिटरी मेथड वैसे तो मैथ्स का है, कोई भी चीज जब निकालनी होती है व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, हैंड्स डाउन दैट इज रिटन ऑन द राइट, सो वी हैव टू फाइंड द थिकनेस, वी विल राइट इट ऑन राइट साइड, राइट, एंड व्हेन मेनी नंबर आर गिवन एंड वी हैव टू फाइंड फॉर वन, वी हैव टू डिवाइड, ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट अगेन 10th A, पहेली कवर्स 10 मीटर ऑन स्ट्रेट रोड एंड देन कम्स बैक, विच टाइप ऑफ मोशन, 10th A या 10th B से पूछे शायद ये, बिकॉज वन वर्ड आंसर है, यस गुड, एमएच सिक्स क्लास। आई एम सॉरी मैं वो 10th के 10th ही आ गया, आई एम सो सॉरी, या 6th क्लास, ठीक है जी, दैट इज अरमान, अरमान 6th B, जोर से बोलना जितनी जोर से बोल सके कि कौन सी मोशन है, ये देखो इधर देखो बोर्ड पे देखो बेटा, उससे मत पूछो, इधर देखो, मैं लेट मी शो यू, ये देखो पहेली जो है वो स्ट्रेट रोड पे गई 1 मीटर 10 मीटर तक, फिर उसी रोड से वापस आ गई, विच टाइप ऑफ मोशन इज शोन बाय पहेली, सर्कुलर मोशन, कर्विलीनियर मोशन, ऑसिलेटरी मोशन की रेक्टिलीनियर मोशन, कैनेडियन मोशन इट इज रेक्टिलीनियर मोशन, लीनियर मीन्स स्ट्रेट, रेक्टिलीनियर मीन्स स्ट्रेट मोशन, सो आंसर इज, ठीक है बेटा बैठो बेटा, इट इज रेक्टिलीनियर मोशन, नेक्स्ट इज ये आपको पता चल गया, आप नाउ 6A, 6A एंजल, एंजल इज देयर, आ जाओ बेटा, जो हमारा सीलिंग फैन है ना, यू नो फिक्स्ड इन द सेंटर एंड इट्स ब्लेड्स रोटेट्स, राइट, विच टाइप ऑफ मोशन इज शोन बाय इट,
रोटेशनल मोशन। मोशन, वेरी गुड। ये आपको डेफिनेशन दी है, वेरी गुड एंजल, बैठो बेटा। सो आंसर वन इज रोटेशनल मोशन, लिखना है सबने, इट इज रोटेशनल मोशन। नेक्स्ट, सिक्स्थ बी, सिक्स्थ बी में से आ जाइए बेटा, पलक, पलक इज देयर सिक्स्थ बी। यस, क्वेश्चन नंबर टू, व्हाई द अर्थ मूविंग अराउंड सन शो सर्कुलर मोशन एंड नॉट रोटेशनल। रोटेशनल बिल्कुल ठीक है, बिकॉज अर्थ इज नॉट फिक्स्ड विद द सन, है ना, कोई वो सन के साथ फिक्स्ड तो नहीं है ना, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ सन। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, बिल्कुल ठीक है आपका बेटा, बैठो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज, राइट डाउन इट्स आंसर एवरीबडी, बिकॉज द अर्थ मूव्स अराउंड सन इन इट्स ऑर्बिट, बिकॉज द अर्थ मूव्स अराउंड सन इन इट्स ऑर्बिट एंड इज नॉट फिक्स्ड विद द सन, एंड इज नॉट फिक्स्ड विद द सन, अपनी एक्सिस पे जब रोटेट करती है, ये इसकी एक्सिस है, और जब इसके अराउंड रोटेट करती है देन इट इज रोटेशनल मोशन, बट जब वो सन के अराउंड मूव कर रही है देन इट इज सर्कुलर मोशन। ओके, क्वेश्चन नंबर थ्री, डिफरेंस बिटवीन, दिस इज द डेफिनेशन, डिफरेंस बिटवीन पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक मोशन। रोहन, सिक्स सी, सिक्स सी रोहन, है नहीं? He is on leave. अच्छा जी, रोहन नहीं है तो नेक्स्ट इज नवजोत सिंह। टेल मी डिफरेंस इन पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन हाँ बोलो, पीरियोडिक मोशन। ये देखो आपकी मैम जो है एक ही रूट पे, शी इज वॉकिंग टू, इधर जा रही हैं इधर आ रही हैं, सेम टाइम इंटरवल पे उनकी स्पीड एक जैसी है, सो इज शी शोइंग पीरियोडिक मोशन की नॉन पीरियोडिक। पीरियोडिक पीरियोडिक, पीरियोडिक मीन्स विच इज रिपीटेड, मैम आती हैं फिर पीछे जाती हैं, फिर आती हैं फिर पीछे जाती है, विद द सेम स्पीड, उनकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है, अनलेस एंड अंटिल आप कोई शरारत ना करो, है ना। तो अदरवाइज इफ यू आर डूइंग वेल देन शी इज मूविंग हेयर एंड देयर विद द सेम स्पीड, दैट इज पीरियोडिक। पीरियोडिक मीन्स जो रिपीट हो रही है एट सेम टाइम इंटरवल, ठीक है, 1 मिनट बाद दोबारा से रिपीट हो रही है, वो 1 मिनट लेती है पीछे जाने तक, फिर दोबारा से 1 मिनट के बाद आ रही है, फिर 1 मिनट के बाद, बट अगर ऐसा हो जाए कि एक राउंड वो 1 मिनट का ले रही है फिर रुक रही है फिर 2 मिनट बाद जा रही है, फिर वो नॉन पीरियोडिक हो जाएगी। तो हाउ विल यू से, आपने मेरे साथ, मैं बता रही हूं दोबारा रिपीट करना है कि द मोशन विच इज रिपीटेड आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज पीरियोडिक मोशन, एंड नॉन पीरियोडिक विच इज नॉट रिपीटेड आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। ओके देन, हाँ जी बोलिए बेटा नवजोत। अपरियोडिक मोशन, अब हाँ, मोशन विच रिपीट एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम या एट द रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, क्या बोलोगे दोबारा से? इंटरवल मोशन विच रिपीट ऑन रेगुलर मोशन। ऑफ टाइम, है ना, रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। ओके ठीक है, 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में क्वेश्चन, इसमें अगर थोड़ा सा चेंज हुआ, इसमें पीरियोडिक नॉन पीरियोडिक अगर केस स्टडी में नहीं आया तो वैसे आ जाएगा, ठीक है, बैठो बेटा। सो एवरीबडी, सबने लिखा भी होगा अपनी कॉपीज में वैसे भी, बट यू मे अगेन राइट द मोशन विच इज रिपीटेड आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज पीरियोडिक मोशन। फॉर एग्जाम्पल, मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड सन हर 365 डेज के बाद दोबारा से रिपीट होता है ना, हर साल जैसे ही न्यू ईयर कम्स
अगेन द अर्थ कम्स एट द सेम पोजिशन, अगेन स्टार्ट रिवॉल्विंग अराउंड द सन. ओके, सो द मोशन विच इज रिपीटेड आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज पीरियोडिक, एंड विच इज नॉट रिपीटेड. अब एक क्वेश्चन और लिखिए, इज द हार्ट बीट पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक? इज द हार्ट बीट पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक? यस, इन 6A. 6A बहुत बच्चों का हाथ खड़ा है. मैम किसी को भेजो, मैनी स्टूडेंट्स नो दिस. यस टेल मी, नॉन पीरियोडिक. क्यों, व्हाई इट इज नॉन पीरियोडिक? बिकॉज़ इट्स इट इज नॉट रिपीटेड. धक 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 तो हो रही है, रिपीट तो हो रहा है. चलिए लेट मी, यस एनीबडी, आप बैठो बेटा. यस 6B में कोई स्टूडेंट आए बताए मुझे रीजन इसका, व्हाई इट इज नॉन पीरियोडिक. And because when we run, our heartbeat will change. When we run, our heartbeat will change. बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, सिट डाउन. तो यहाँ पे एवरीबडी ये क्वेश्चन लिखा है, इसका आंसर लिखो कि हार्ट बीट इज पीरियोडिक व्हेन वी आर एट रेस्ट एंड रिलैक्स्ड. राइट डाउन, हार्ट बीट इज पीरियोडिक. कब वो पीरियोडिक होती है? इट इज पीरियोडिक व्हेन वी आर रिलैक्स्ड. हम शांति से बैठे, हमें कोई टेंशन नहीं है. व्हेन वी आर रिलैक्स्ड एंड एट रेस्ट. बट व्हेन वी डू एक्सरसाइजेस और रन, व्हेन वी डू एक्सरसाइजेस और रनिंग और इन स्ट्रेस, हमें याद आ जाए रात को 11 बजे क्यों हो हमारा तो कल टेस्ट है और हमें कुछ नहीं आता है ना, देन व्हाट हैपेंस टू योर हार्ट बीट? इट इंक्रीजेस वेरी फास्ट, इट बिकम्स वेरी फास्ट. राइट, व्हेन वी आर इन स्ट्रेस और वी आर डूइंग एक्सरसाइजेस और वी आर रनिंग, देन हार्ट बीट बिकम्स फास्ट एंड इरेगुलर. फास्ट एंड इरेगुलर, इट बिकम्स नॉन पीरियोडिक. इट बिकम्स नॉन पीरियोडिक. एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर जो मैंने पूछना था, विच टाइप ऑफ मोशन इज शोन बाय द लाइट? 6C. 6C में से आ जाइए बेटा. एकमजीत, एकमजीत, यस कम क्विकली. इज इट कर्वी लीनियर मोशन, इज इट रेक्टिलीनियर मोशन, इज इट ऑसिलेटरी मोशन? विच टाइप ऑफ मोशन इज शोन बाय लाइट? रेक्टिलीनियर मोशन, वेरी गुड, वेरी गुड. सो आंसर इज लाइट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन. बैठो बेटा एकम जी. सो लाइट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इट इज रेक्टिलीनियर प्रोपिगेशन ऑफ लाइट. ठीक है, राइट डाउन, रेक्टिलीनियर. सो लाइट शोज रेक्टिलीनियर प्रोपिगेशन, इट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन. दैट्स वाई हम क्या कहते हैं कि अगर हम करके देखते हैं, कैन यू सी ऑन द बोर्ड? अब नहीं दिख रहा है. मैं इसमें से भेज रही हूं, कैन यू सी?
देख रहे हो बोर्ड पे नजर आ रही है लाइन, यस और नो? ठीक है, और अगर हम इसको थोड़ा सा फोल्ड कर देते हैं, कोई यह बोर्ड पे नजर आ रही है? नो, सो इट मीन्स लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और कैसे पता चलता है? हाउ कैन नेम वेरियस फिनोमिना? राइट डाउन, चैप्टर का नाम है लाइट शेडो रिफ्लेक्शन। लाइट शेडो रिफ्लेक्शन, तो इसमें व्हाट वी हैव टोल्ड यू दैट फर्स्ट इज लाइट प्रोपेगेट्स इन स्ट्रेट लाइन। सेकेंड थिंग, लाइट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर प्रोपिगेशन। प्रोपिगेशन मीन्स ट्रेवल, फॉर ट्रेवलिंग, प्रोपिगेशन मीन्स ट्रेवलिंग। इसको कोई मीडियम नहीं चाहिए, सॉलिड लिक्विड गैस कर तो उसमें से भी जाती है, बट इट डज नॉट रिक्वायर। इट मीन्स देयरफॉर लाइट कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। वैक्यूम का क्या मतलब है? वैक्यूम का मतलब जहां पर कुछ भी ना हो, जहां पर कोई एयर नहीं है, जहां पर कोई वाटर नहीं है, जहां पर कोई सॉलिड्स भी नहीं है, वैक्यूम है, बिल्कुल ही कुछ भी नहीं है। दैट इज वाई जो सन है ना, सन यहां है, ये ऑर्बिट है हमारा, और लेट अस से अर्थ यहां पे है ना। ये तो चलो इफ आई से कि अर्थ तो बहुत ही, इट्स वेरी स्मॉल, इट्स लाइक ए डॉट। तो व्हाट इज देयर यहां से यहां तक, यहां से यहां तक क्या है? दिस इज कॉल्ड ए स्पेस। खाली स्पेस है, यहां पर कुछ भी नहीं है, इट इज वैक्यूम, बट सनलाइट रीचेस अर्थ बिकॉज इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल। ठीक है, जबकि सन पे इतने धमाके हो रहे हैं हम सुन नहीं सकते, वाई? बिकॉज साउंड रिक्वायर्स मीडियम, वेयर एज लाइट डज नॉट रिक्वायर मीडियम। इज इट ओके? ठीक है, समझ में आई? लिखा ये आपने कि नहीं? ठीक है, 10th ए बेटा आपका ना कैमरा ऑफ हो गया, 10th ए का। सो लाइट कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, दैट इज वाई, लिखो, दैट इज वाई लाइट ऑफ सन रीचेस अर्थ थ्रू स्पेस। और जहां स्पेस लिखा है वहां पे लिख लेना वैक्यूम। वैक्यूम में सिंगल यू डाल लो।
ओके डन एंड यू नो एवरी ऑब्जेक्ट डज नॉट प्रोड्यूस लाइट. डज दिस एमिट लाइट? डज दिस प्रोड्यूस लाइट? नो. दिस प्रोड्यूस लाइट? यस, है ना. सो देयर आर व्हाट वी से ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, राइट. सो दोज विच प्रोड्यूस लाइट आर ल्यूमिनस, दोज विच डू नॉट प्रोड्यूस लाइट आर नॉन ल्यूमिनस. दैट इज एब्सोल्युटली. बाकी सब आप कर लेंगे. टेल मी अबाउट सन, मून, अर्थ, स्टार्स, प्लैनेट्स. जल्दी से ऊपर लिखो ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस. ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस. जल्दी से सिक्स्थ ए, सिक्स्थ ए निकेतन. जल्दी जल्दी से आ जाओ. निकेतन सन, ल्यूमिनस की नॉन ल्यूमिनस? मैम ल्यूमिनस वेरी गुड, बैठो बेटा. देन सिक्स्थ बी दिलप्रीत, सिक्स्थ बी दिलप्रीत. जल्दी से आ जाओ बेटा. मून ल्यूमिनस की नॉन ल्यूमिनस? नाइन ल्यूमिनस एट नाइट. बेटा ल्यूमिनस का मतलब बेटा विच प्रोड्यूस इट्स ओन लाइट. नॉन कौन ल्यूमिनस है बेटा? बिकॉज ल्यूमिनस Because it shines with the help of sun. Luminous, non-luminous, I'm sorry. ये बहुत इंपॉर्टेंट है मून, क्योंकि तुम्हें लगता है चमक रहा है, ये तो ल्यूमिनस होना चाहिए. बट इट शाइन्स विद द हेल्प ऑफ सोलर लाइट, सनलाइट. क्योंकि आपको पता है कि बीच में अगर अर्थ आ जाए तो हमें मून नहीं नजर आता. सन और मून के बीच में अगर अर्थ आ जाए, एक्लिप्स लगता है कि नहीं? ल्यूनर एक्लिप्स, राइट. तो हमें नजर नहीं आता. सो इट इज नॉन ल्यूमिनस. देन अर्थ, यस, सिक्स सी. और ये नहीं कह देना इट इज ल्यूमिनस एट नाइट, नॉन ल्यूमिनस ड्यूरिंग डे. ऐसा नहीं है. मून अपनी कोई लाइट नहीं प्रोड्यूस करता. लिखना यहाँ पे इट इज नॉन ल्यूमिनस बिकॉज इट डज नॉट प्रोड्यूस. डज नॉट प्रोड्यूस इट्स ओन लाइट. इट शाइन्स विद द हेल्प ऑफ सनलाइट. देन सिक्स सी, सिक्स सी में आ जाइए बेटा. एकम सिंह, एकम सिंह सिक्स सी. अर्थ बताइए जल्दी से. नॉन ल्यूमिनस है, लुमिनस नॉन ल्यूमिनस. बिल्कुल ठीक है, बैठो. अब सारे बोलो जरा जल्दी से. स्टार्स क्या है? ल्यूमिनस है. दे आर, दे प्रोड्यूस देयर. आप कहोगे मून नॉन ल्यूमिनस एंड स्टार्स ल्यूमिनस. यस, एंड रिमेंबर दैट सन इज द बिगेस्ट स्टार. ये भी एक स्टार ही है. इज द
बिगेस्ट स्टार एंड प्लैनेट्स लाइक ऑल अदर नॉन ल्यूमिनस। ठीक है जी, सो वी विल डिस्कस रेस्ट ऑफ लाइट शेडो ऑन ट्यूजडे। ठीक है, और अपनी बेटा मैथ्स की कॉपी निकालो, आपको अभी नई वर्कशीट नहीं मिली होगी, राइट? वी गॉट अभी आपको शालू आई हुई है? मैम, वी गॉट द वर्कशीट। यू गॉट द वर्कशीट? यस मैम, वी गॉट। दैट्स गुड, दैट्स गुड। सर इज कमिंग विद इन 2 मिनट्स, है ना? जल्दी से अपनी मैथ्स की वर्कशीट निकालो और वो करनी शुरू करो। वर्कशीट सेकंड करनी शुरू करो जल्दी से। लेट्स सी कितने आपने करते हो। वेरी गुड मॉर्निंग टीचर्स एंड ऑल द स्टूडेंट्स। सर तो इन द लास्ट क्लास वी वर डूइंग फ्रैक्शंस। बच्चे याद है या भूल भाल गए हो फ्रैक्शंस? याद याद है क्या होते हैं फ्रैक्शंस? पार्ट ऑफ ए होल और ए पार्ट ऑफ ए ग्रुप, राइट? इज दिस क्लियर? सर तो कुछ कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स किए थे हमने। वॉच वाला सिस्टम याद है आप लोगों को? हाँ जी। टाइम टाइम वाले केसेस में फ्रैक्शंस कैसे फाइंड आउट करते थे? यस और नो बच्चों? देखिए बेटा, हाउ मेनी आवर्स आर देयर इन वन वन डे? 24 आवर्स, राइट? हाउ मेनी मिनट्स आर देयर इन 1 आवर? 1 आवर इक्वल टू हाउ मेनी सेकेंड्स आर देयर इन 1 मिनट? 60 seconds. 60 seconds। नाउ इफ आई आस्क यू, इफ आई आस्क यू व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 15 मिनट्स? व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 15 मिनट्स? प्लीज टेल मी। अच्छा, कौन बताएगा जी? सेक्शन सी डी से तो कोई बच्चे ने हैंड नहीं रेज किया यार, क्या बात? सेक्शन बी वाले रह गए हैं, उधर से किसी ने हैंड रेज नहीं किया अभी तक। सेक्शन बी, एनीवन, एनी वॉलेंटियर प्लीज कम फ्रॉम सेक्शन बी। आ जाओ जल्दी से बच्चे, एक बचा। कौन आ रहा है? प्लीज कम। हाँ वेरी गुड। फर्स्ट ऑफ ऑल शुड क्लैप फॉर हर, एवरीवन शुड क्लैप फॉर हर। करो सारे बच्चे, बच्चे क्लैपिंग फॉर हर। व्हाट्स गुड नेम बेटा? 15 by 60 minutes. मैंने आपका नाम पूछा है, आपका नाम 15 by 16 तो नहीं है ना? है जी, जानवी। जानवी वेरी गुड जानवी। नाउ टेल मी द क्वेश्चन। हाँ जी। सर 15 by 60 minutes. 15 by 60 मिनट, पहली चीज तो एक याद रखनी है बेटा। आपने बोला 15 by 60 मिनट्स। जब भी फ्रैक्शन होता है ना, उसकी कोई यूनिट नहीं होती, तो मिनट्स जो है वो यूनिट है। फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 15 by 60। इज इट क्लियर? अब दूसरी चीज क्या करनी होती है? वी हैव टू रिड्यूस इट इन द स्मॉलेस्ट रेशियो, राइट? स्मॉलेस्ट में करेंगे तो क्या आएगा फ्रैक्शन बेटा? प्लीज टेल मी जानवी। इनकी कटिंग हो रही है कहीं पे? कितना सही है, हो रहा है? 1/4. तो 1/4 आ रहा है फ्रैक्शन। यस वेरी गुड बेटा, प्लीज सिट डाउन। राइट बच्चों, डू यू ऑल हैव द असाइनमेंट? राइट बच्चों, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इन द असाइनमेंट इज व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए डे इज 18 आवर्स? नाउ प्लीज डू। कई बच्चों ने पहले से करके रखा होगा, है ना? व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए डे इज 18 आवर्स? हाँ जी, चलिए।
मैं नाम से बुला लेता हूँ कुछ बच्चों को। गेविन सिंह गरचा, वेयर इज गेविन सिंह, प्लीज कम गेविन, आ जा बच्चे आ जा। यस टेल मी बेटा, सर 18/24। 18/24, इसको रिड्यूस कीजिए बच्चे स्मॉलेस्ट में। इट विल बी सी 1 day 24 hours, सो 18 आवर। यस कितना आएगा बच्चे? 6 3s are 6 4s are, तो क्या आ गया बेटा स्मॉलेस्ट फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में 3 by 4। इज इट क्लियर? प्लीज सिट डाउन गेविन। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 40 मिनट्स? यस टेल मी, कौन बताएगा जी? अरमान चौधरी, मान चौधरी आ जा बेटा। हाँ जी बच्चे बताइए जरा। 16/40। 16 मिनट ओवर 40 और 40 मिनट बाय 60 बेटा। यस यस मतलब कौन सा वाला होगा, 60 बाय 40 और 40 बाय 60? बेटा सर 40/60। देखिए जो फ्रैक्शन लेना होता है ना, जो टोटल है 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60। तो उसको डिनोमिनेटर में रखते हैं बेटा। डिनोमिनेटर पता है ना क्या होता है? क्या होता है बेटा? सर जो नीचे वाला होता है अपने सर वो 60 होता नहीं, उसको उसको क्या बोलते हैं? सर, डिनोमिनेटर और ऊपर वाले को क्या सर डिनोमिनेटर बोलते हैं? डिनोमिनेटर न्यूमरेटर क्या बोलते हैं बेटा? डिनोमिनेटर नहीं, दोबारा डिनोमिनेटर से बोल मेरे साथ, क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ बेटा? न्यूमिनेटर न्यूमरेटर क्या बोलते हैं इसको? न्यूमिनेटर नहीं, आर आर क्यों गायब कर रहे हो बेटा? आर है बीच में, न्यूमरेटर न्यूमिनेटर नहीं, आर फिर मिसिंग हो रहा है कुछ। चलो प्लीज सिट डाउन बेटा। तो 40/60 आ गया बच्चों। यस और नो? इसको रिड्यूस किया, 0 से 0 कैंसल, 2 2s are 2 3s are, ठीक है? यस और नो? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। आर्या, अभिमन्यु एंड विवेक शेयर लंच। आर्या हैज ब्रॉट 2 सैंडविचेस, वन मेड ऑफ वेजिटेबल एंड वन ऑफ जैम। द लिखते जाते हैं डाटा ना, काफी सारा है। आर्या, अभिमन्यु एंड विवेक, आर्या हैज ब्रॉट 2 सैंडविचेस, 2 सैंडविचेस वन वेजिटेबल एंड वन जैम, राइट बच्चों? इज दिस क्लियर? द अदर टू बॉयज फॉरगॉट टू ब्रिंग देयर लंच, इज दिस क्लियर? आर्या एग्रीड टू शेयर हिज सैंडविचेस सो दैट ईच पर्सन विल हैव एन इक्वल शेयर ऑफ ईच सैंडविच। देखिए बाकी दोनों बच्चे बेचारे लाना भूल गए अपना लंच। आपके साथ भी होता है ना, कोई बच्चा अपना टिफिन घर भूल जाता है या लेके नहीं आता, तो वी शेयर ना बच्चे? अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हो आप लोग? ठीक है, तो वो भी सेम केस है बेटा यहाँ पे। तो आर्या वॉन्ट टू शेयर एंड ही वॉन्ट टू शेयर इन सच ए वे दैट एवरी वन गेट्स द सेम पोर्शन, राइट? नाउ नंबर वन, हाउ कैन आर्या डिवाइड ही सैंडविचेस सो दैट ईच पर्सन हैज इक्वल शेयर? हाँ जी कौन बताएगा? हाँ जी बलजोत सिंह, आ जा बेटा बलजोत। सर यस
समझ में आया बेटा क्वेश्चन आपको? हाँ यस जी, कैसे करेंगे बेटा डिवाइड? हाँ जी बताइए। असाइनमेंट नहीं लेके आए बेटा आप? सर आर्या अग्री टू शेयर हिज सैंडविच सो दैट ईच पर्सन विल हैव एन इक्वल शेयर ऑफ ईच सैंडविच। हाँ जी, तो हाउ इट विल बी डिवाइडेड? हाँ जी बेटा, कैसे डिवाइड करेगा वो? पीसेस ओहो, मुझे तो पता ही नहीं था कि पीसीस में डिवाइड करेगा। बच्चे पीसीस में कैसे करेगा, कोई तो पूछ रहे हैं हम। बेटा ही हैज टू सैंडविच, देखो जरा उसके पास बच्चे दो सैंडविच है, पीसीस में कर देगा है ना। ये लो, ऐसे ही होता सैंडविच, यही शब्द। तो बेटा वो थ्री पार्ट्स में कर देगा ना, थ्री इक्वल पार्ट्स में, राइट? यस और नो? सर Each sandwich will be divided in three equal parts, यस right or not जी? राइट तो आप डिवीजन क्या होगी बच्चे? वन सैंडविच इज डिवाइडेड इंटू हाउ मेनी पार्ट्स? थ्री थ्री पार्ट्स। सो बोथ द सैंडविच विल बी डिवाइडेड इक्वली इंटू वन एज टू थ्री पार्ट्स। नाउ सेकेंड पार्ट बेटा क्वेश्चन का, व्हाट पार्ट ऑफ ए सैंडविच इच विल ईच बॉय रिसीव? हाँ जी देखिए सर बेटा, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में क्या है, 1/3 इस सैंडविच का पार्ट मिलेगा, 1/3 ये वाला सैंडविच। इज दिस क्लियर? यस सो हाउ मच आर ए डिवाइड इन सैंडविच सो दैट ईच पर्सन हैज एन इक्वल शेयर? सो वी विल डिवाइड ईच सैंडविच इन थ्री इक्वल पार्ट्स। तो बी पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा? 1/3। व्हाट पार्ट ऑफ ए सैंडविच हाउ मच ईच पर्सन इज गेटिंग? 1/3 ऑफ ईच सैंडविच। इज इट क्लियर? तो यस दिस विल बी द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यस किसी स्टूडेंट को नहीं समझ आया बेटा? सो फर्स्ट क्वेश्चन में आंसर क्या लिखेंगे आप? ईच सैंडविच विल बी डिवाइडेड इन टू थ्री इक्वल पार्ट। सेकेंड में आएगा ईच पर्सन विल गेट 1/3 पार्ट ऑफ ईच सैंडविच। इज इट ओके? एनीथिंग यस नॉट क्लियर बच्चों? प्लीज नो सिट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। कंचन डाइज ड्रेसेस, समझ में आया बेटा स्टेटमेंट क्या है? डाइज क्या होती है पता है आप लोगों को? गर्ल्स को पता होगा ना, दुपट्टे वगैरह जो होते हैं डाई कराते हैं ना, तो डाई होता है मतलब कलर करना। तो देर इज ए लेडी कॉल्ड कंचन, ही डाइज ड्रेसेस, मतलब वो जो कपड़े होते हैं उनको कलर करने का काम करती है। इज इट क्लियर? शी हैड टू डाई 30 ड्रेसेस, शी हैज सो फार फिनिश 20 ड्रेसेस, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ड्रेसेस हैज शी फिनिश्ड? बच्चे टोटल 30 करनी थी उसको, 30 ड्रेसेस शी वाज सपोज टू डाई एंड टिल नाउ शी हैज फिनिश्ड 20, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ड्रेसेस शी हैज फिनिश्ड? चलिए मैं पूछ लेता हूं बच्चे। अनुष्का रे, अनुष्का, अच्छा आ गई है जी, वेरी गुड। कैसे सर 2/3 आया बेटा? सर बाय फाइंडिंग सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 20/30। यस, देखिए बेटा टोटल ड्रेसेस कितनी थी, हाउ मेनी ड्रेसेस वर देयर? टोटल 30 ड्रेसेस 30। डाई टिल नाउ ड्रेसेस डाइज 20, तो क्वेश्चन आ जाएगा व्हाट फ्रैक्शन ऑफ डाइज शी हैज फिनिश्ड 20/30। तो 0 से 0 कैंसिल, 2/3 विल बी द फ्रैक्शन ऑफ द ड्रेसेस शी हैज फिनिश्ड। इज इट ओके? इज दिस ओके बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राइट द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 2 टू 12।
लिखिए बच्चे, पहले 2 से 12 तक नेचुरल नंबर्स लिखिए जरा। 2 से लेके 12 तक नेचुरल नंबर्स प्लीज राइट। एवरीवन शुड राइट इन देयर नोटबुक। आई कैन चेक एनीबॉडीज नोटबुक। आई कैन सी सम ऑफ द स्टूडेंट नोट राइटिंग ऑन द फ्रंट बेंचेस आल्सो। प्लीज राइट नेचुरल नंबर फ्रॉम 2 to 12। लिख लिया बच्चों सबने? अब इसमें जो प्राइम है उनको सर्कल कीजिए। अब जी बच्चों सर्कल कर लिए प्राइम नंबर्स? ठीक है जी, अब आ जाइए जरा मेरे पास। जसमीत कौर, सेक्शन सी। हाँ जी बेटा, क्लियर यस हो रहा है सारा जो टॉपिक हम कर रहे हैं? टेल यस मी विच आर द प्राइम नंबर्स इन दीज नंबर्स। 2, 3, 5, 7, 11 टू थ्री फाइव सेवन,11 वेरी गुड, सिट डाउन। हाँ जी, नाउ कम्स सरगुन सहगल। सर हाँ जी बच्चे, प्लीज टेल मी व्हाट फ्रैक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स आर देयर। व्हाट इज द क्वेश्चन? राइट द नेचुरल नंबर। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम? यस, नाउ टेल मी व्हाट विल बी द आंसर। हाउ मेनी टोटल नंबर्स आर देयर? सर हाउ मेनी टोटल? अलग रिपीट करना बेटा, टोटल नंबर कितने हैं बच्चे? हाउ मेनी टोटल? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो 12 में कैसे होगा बेटा? टोटल नंबर ही 11 है तो 12 क्यों आएगा? हाँ जी बेटा, सो टोटल नंबर 11 है तो डिनोमिनेटर में 11 आ जाएगा टोटल। एंड आउट ऑफ 11 हाउ मेनी आर प्राइम? कितने नंबर प्राइम है बेटा? आवाज नहीं आ रही, आपकी कुछ इश्यू है आपके माइक में। अब बाय ठीक है बेटा, तो कितना आ गया बच्चे? 5/11। सिट डाउन। सबको समझ आ गया बेटा ये क्वेश्चन? यस वाई सिक्स सिक्स सी ओके हैज गॉन। राइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्रिस्टन रिसीव्ड ए सीडी प्लेयर फॉर हर बर्थडे। शी बॉट 3 CDs एंड रिसीव्ड 5 other एज गिफ्ट। राइट, बॉट हाउ मेनी सीडी शी हैज बॉट और गिफ्ट? हाउ मेनी गिफ्ट रिसीव्ड? 5। राइट बच्चों, इज दिस क्लियर? नाउ व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हर टोटल सीडीज डिड शी बाय एंड व्हाट फ्रैक्शन डिड शी रिसीव एज गिफ्ट? सेक्शन सी, कैन यू हियर मी? सेक्शन सी, सेक्शन सी, कैन यू हियर मी स्टूडेंट्स? प्लीज स्विच ऑन योर वीडियो। ओके, देयर सम टेक्नोलॉजी इश्यू। ओके, कैन यू हियर मी बच्चों? प्लीज रेज योर हैंड इफ यस। 6C, ओके राइट बच्चों, सो वी आर डूइंग 6th क्वेश्चन।
Kirsten received a CD player for her birthday. She bought 3 CDs and received 5 other as gifts. What fraction of her total CDs did she buy? So first part is fraction of CDs she buys. हाँ जी, कौन बताएगा? प्लीज रेज योर हैंड। दमन ज्योत कौर, दमन ज्योत। यस सर, हाँ जी, फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या होगा बेटा? व्हाट फ्रैक्शन ऑफ सीडीज शी बॉट? 3/5. 3/5। ओके, सिट डाउन नाउ। प्लीज कम पलक सिंह, 6B। हाँ जी बेटा, इज इट करेक्ट और नॉट? करेक्ट करेक्ट है ये, इज दिस करेक्ट? बेटा टोटल सीडीज कितनी हो गई? 5 5. तो बच्चे गिफ्ट आई है और 3 शी हैज परचेज, तो टोटल कितनी हुई? टोटल कितनी होगी बेटा? 3 + 5 8। तो यहां पे 5 के प्लेस पे 8 नहीं आ रहा था। सर फ्रैक्शन ऑफ सी डी शी हैज बॉट, दिस इज रॉन्ग, सो इट विल बी 3/8, राइट बेटा? सर सेकेंड पार्ट इसका, एंड व्हाट फ्रैक्शन डिड शी रिसीव एज गिफ्ट्स? कितनी गिफ्ट मिली है बेटा उसको? 5/8. 5/8। सो फ्रैक्शन ऑफ सी डीज शी गॉट एज ए गिफ्ट इज 5/8। इज दिस क्लियर बच्चों? किसी को डाउट बेटा? बेटा 5 नहीं करना है, 5 तो जो है वो गिफ्ट रिसीव हुई है और 3 जो है वो परचेज की है। सो टोटल ऑफ 8 CDs शी हैव, इज इट क्लियर? बच्चे कोई डाउट लग रहा है मुझे, क्लियर नहीं है यहाँ पे कुछ। एनीवन हैज सम डाउट? चलिए आगे चलते हैं जी, फिर एमसीक्यूज करते हैं बेटा। लुक एट द अल्फाबेट्स गिवन बिलो एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। अल्फाबेट में क्या गिवन है बेटा? नेम इज गिवन केशव, राइट? व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अल्फाबेट्स आर मेड ऑफ एग्जैक्टली 3 स्ट्रेट लाइन्स? हाँ जी, कौन कौन से हैं जो 3 स्ट्रेट लाइन से बने हैं जी? अब ध्यान से देखना जरा, बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है ये। प्लीज टेल मी विच ऑफ द अल्फाबेट्स आर मेड विथ 3 स्ट्रेट लाइन्स। यस बच्चों, प्लीज रेज योर हैंड जिस जिसको पता है। अच्छा, सेक्शन ए में ओनली, सेक्शन बी और सी से कोई वॉलेंटियर? सर सेक्शन बी से बच्चे जो फ्रंट बेंच पे बैठे हैं ना, स्टूडेंट रेज किया है इसने हैंड, रेड शर्ट। प्लीज टेल मी बेटा, के के एंड ए, के एंड ए एच नहीं है बेटा? देखो जरा, के में 3 है, एक स्ट्रेट लाइन, दूसरी तीसरी, ठीक है जी? यस और नो बच्चों? एंड ए एच में 1 2 है, 3 जी, यस और नो? ए में बच्चों 1 2, इज इट क्लियर? यस और तो है नहीं किसी में बेटा। ई में 4 है, एस में स्ट्रेट लाइन ही नहीं है, और वी में, इज इट क्लियर? यस तो नाउ व्हाट विल बी द आंसर? व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अल्फाबेट आर मेड ऑफ एग्जैक्टली 3 स्ट्रेट लाइन्स? यस स्टूडेंट, टेल मी व्हाट इज द आंसर फॉर
फर्स्ट पार्ट चलिए मैं बुला लेता हूँ, जसकीरत सिंह, जसकीरत सिंह सैमी बी। हाँ जा आ जा बेटा। हाँ जी बेटा। हाँ जी ओवर सिक्स, हाँ जी, थ्री थ्री ओवर सिक्स। ओवर सिक्स, वेरी गुड बेटा। टोटल जो है हमारे पास सिक्स अल्फाबेट्स हैं, आउट ऑफ दैट थ्री हैज थ्री स्ट्रेट लाइंस, सो दिस विल बी 3/6। प्लीज सिट डाउन, इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आएगा जी। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या आ गया बेटा, 1/2। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अल्फाबेट्स आर मेड ऑफ स्लांट लाइंस। हाँ जी आ जाइए जरा, सानवी सानवी, बेटा क्वेश्चन यस समझ में आया आपको, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अल्फाबेट्स आर मेड अप ऑफ स्लांट लाइंस, कौन कौन से हैं स्लांट लाइंस वाले। जी सर्वी ओके, और बिकॉज दे आर नॉट हैविंग एनी बच्चे आप क्या बोल रहे हो, मुझे समझ नहीं आया। लाइंस सर ओनली वी, ओनली वी और किसी में नहीं स्लांट लाइंस है बेटा, और किसी में नहीं है स्लांट लाइंस। देखो ई में कहां पे है स्लांट लाइन, के में है ये स्लांट लाइन, देखो जरा ये के में भी है, और किस में है, वी में है, तीन में ही है ना, सर और तो किसी में नहीं है, एस में है। यस एस में भी तो है, पर एस में ये लाइन आप ले रहे हो, इसको कर्व ले रहे हो, तो लीव इट राइट। सो वी हैव ओनली थ्री अल्फाबेट्स विच हैव स्लांट लाइंस, तो व्हाट विल बी द आंसर। हाँ जी ऑप्शन, अच्छा इसके ऑप्शंस भी गिवन है, ऑप्शन अच्छा इन दोनों का इकट्ठे दिया हुआ है, ओके ऑप्शन बी गिवन है इसमें स्लांट लाइन वाले, तो ऑप्शन बी कैसे हो सकता है, 3/6 इज करेक्ट, यहाँ पे हमारे थ्री आए थे ना अल्फाबेट्स। स्लांट लाइन तो बेटा के में भी है, ए में भी है, वी में भी है, सो नाउ वाई ही हैज टेकन 2/6, इट शुड बी 3/6 राइट। सो ऑप्शन जो डी है ना बेटा, ए और बी, इट शुड बी बोथ 3/6, इज दिस क्लियर राइट। सर बेटा प्लीज सिट डाउन, सेकेंड क्वेश्चन बेटा, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 40 मिनट। सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया बेटा, ये तो सेकेंड वाला, यू कैन डू इट और वी हैव ऑलरेडी डन इट, व्हाट इज द आंसर, 40 अपॉन 60 एंड रिड्यूस इट टू 2/3, सो को आंसर विल बी सी ऑप्शन राइट बच्चों। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, द पिक्चर बिलो इज शेडेड टू रिप्रेजेंट ए फ्रैक्शनल नंबर, हाउ मेनी ऑफ द स्टार्स इन द ग्रुप बिलो मस्ट बी शेडेड टू रिप्रेजेंट ए फ्रैक्शन विद इन द सेम वैल्यू। देखिए बच्चे साइड में आपको एक ब्लॉक वाला फिगर दिया हुआ है आपको, उसमें जो आपके लेफ्ट साइड वाले ब्लॉक्स हैं दे आर शेडेड, सर और वो जो दूसरे हैं वो अनशेडेड है बेटा, इज इट क्लियर, यस और नो। यस तो अब ये जो दोनों शेडेड हैं और जो नॉन शेडेड है, व्हाट इज द रेशियो, कैन यू कैलकुलेट हाउ मेनी शेडेड ब्लॉक्स आर देयर, सर 18, एंड हाउ मेनी टोटल, 36। सो व्हाट विल बी द फ्रैक्शन विच इज शेडेड, फ्रैक्शन विच इज शेडेड, इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा बेटा, यस और नो। यस नाउ यू हैव टू टेल मी हाउ मेनी स्टार्स
हैज टू बी शेडेड सो दैट बोथ द फ्रैक्शन आर इक्वल. नाउ देर आर टोटल हाउ मेनी स्टार्स, टोटल स्टार्स कितने हो गए बेटा? टोटल स्टार्स आर 12. अब अगर आप ये फिगर देखें बेटा, इसमें हाफ पार्ट ऑफ ब्लॉक्स आर शेडेड. टू मेक द सेम फ्रैक्शन द हाफ नंबर ऑफ स्टार शुड बी शेडेड बेटा. तो नंबर सिक्स स्टार शुड बी शेडेड, राइट? इज दिस क्लियर बच्चों? यस और नो बेटा, इज इट क्लियर और नॉट? चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. असर्शन रीजन, वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज असर्शन एंड रीजन. असर्शन इज गिवन 3/7 इज ऑब्टेन्ड व्हेन वी डिवाइड अ होल इनटू 7 इक्वल पार्ट्स एंड टेक 3 पार्ट्स. इज इट ट्रू और फॉल्स? हाँ जी बेटा बताइए जरा, कौन आएगा बताने के लिए? प्लीज कम रेनू, रेनू भूमला फ्रॉम सेक्शन ए. हाँ जी बच्चे, इज इट करेक्ट? माइक ले लो हाथ में बेटा. हाँ जी बच्चे, आवाज नहीं आ रही है आपकी. सर ट्रू, ट्रू? कैसे ट्रू है बेटा ये? नो, अपने आप बताइए, किसी और से हेल्प नहीं लेनी है. माइक लो हाथ में पहले तो आप. नाउ स्पीक. कौन बता रहा है साथ में आपको? किसकी आवाज आ रही है पीछे से? नहीं आता तो बेटा यू कैन मूव, नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाए. गुरमन प्रीत कौर, गुरमन प्रीत कौर. हाँ जी बच्चे ये बताइए, ये ट्रू है या फॉल्स है? सर ट्रू, कैसे ट्रू है बेटा? कैसे ट्रू है? नीचे क्यों रख दिया आपने माइक? उसने बोला है बच्चे 3/7 इज ऑब्टेन्ड व्हेन वी डिवाइड ए होल इनटू 7 इक्वल पार्ट्स एंड टेक 3 पार्ट्स. इज इट ट्रू? यस. कैसे बेटा? बिकॉज इफ वी टेक 7 टोटल पार्ट्स एंड आउट ऑफ दैट 3 पार्ट्स आर टेकन, सो दैट विल बिकम 3 आउट ऑफ 7 एंड 3 आउट ऑफ 7 इज रिप्रेजेंटेड एज 3/7. Is it clear? Yes. Please sit down. Next student come. हाँ जी बलराज सिंह सेक्शन बी. बलराज सिंह फ्रॉम सेक्शन बी. यस बेटा, रीजन इज, रीजन को देखो जरा. ए फ्रैक्शन इज ए नंबर रिप्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ होल. इज इट ट्रू? सर यस बट इट इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑप्शन ए. व्हाई इट इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन? सर बिकॉज इट इज रिप्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ होल. सो 3/7 इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ होल ना? 3 इज पार्ट ऑफ द होल, होल इज 7. हाँ जी इज इट करेक्ट एक्सप्लेनेशन? नो क्या देखो, उसने बोला 3/7 ऑब्टेन्ड. यस दैट इज ऑल्सो ए फ्रैक्शन, दोनों ट्रू है. बट दिस इज ए जनरलाइज स्टेटमेंट. रीजन जो है वो जनरल है कि ये फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ होल. वो स्पेसिफिकली 3/7 है ऐसा कुछ नहीं बता रहा है. सो देन यू आर करेक्ट. दो बी चॉइस इज द करेक्ट चॉइस. इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन. सो प्लीज सिट डाउन बेटा. एनी क्वेश्चन स्टूडेंट्स नॉट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? किसी भी बच्चे को किसी क्वेश्चन में डाउट है जो अभी हमने असाइनमेंट किया है, प्लीज टेल मी.
यस, इज दिस क्लियर? राइट, सो वील फिनिश आर क्लास हेयर ओनली. ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग.